नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दलोदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विष्णु पाटीदार। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी किसान भाइयों की वो सवाल जो नए लहसुन के आने के बाद में एकल कुली जो जोरदार भाव पर मंडी में बिकती हुई हमें देखने को मिल रही हैं, तो किस कारण क्या है वो एकल कुली। जब भी आप सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनने को मिलेंगे कि क्या एकल कुली किस प्रकार से होती हैं और इतने महंगे दाम पर क्यों बिकती हैं, कैसे बनती हैं, इसका बिचवारा कैसे तैयार होता है, पूरी जानकारी और पूरे सवालों के जवाब आप सभी किसान भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। जानकारी और सेवा अगर आप सभी किसान भाइयों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी किसान भाई तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि आप सभी किसान भाई भी जान सकें कि एकल कुली होती क्या है और किस प्रकार से इतने महंगे दाम पर बिकती हैं मंडियों में। तो आइए हम शुरू करते हैं इसका विश्लेषण। तो सबसे पहला सवाल है आपका कि एकल कुली इतने महंगे दाम पर क्यों बिकती है मंडियों में। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि इसका महंगे दाम पर बिकने का कारण है कि इसकी डिमांड और इसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी के साथ में आपका सवाल भी ये होता होगा कि इतने महंगे दाम पर यही बिकती हूँ, डिमांड इसकी ही क्यों ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि ये ठंड के मौसम में खाने के लिए बहुत ही उपयोगी या महत्वपूर्ण माना गया है। इसको खाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, अभी की स्थिति में सूखने के बाद में नहीं। दोस्तों, दूसरा सवाल है एकल कुली बनती कैसे हैं। तो दोस्तों, आपको ये सभी सिंपल सवाल हैं कि बनती कैसे हैं, तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा बनती कैसे। तो एकल कुली बनती या तो लहसुन के रोग में आने पर या फिर लहसुन की चुपाई पर उसकी दूरियों का कम होना, इस कारण से बनती है। और तीसरा सवाल है आप सभी किसान भाइयों को कि क्या इसका बीज अलग से तैयार होता है या फिर कहीं अलग से मार्केट में या बाज़ार में मिलता है। दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो सवाल है और जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, ना तो यह कहीं अलग से बिजवारा इसका कोई तैयार होता है। और दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये अपने खुद के में निजी विचार जो मेरी जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ, ना ही कहीं बाज़ार में मिलता है। और यह लहसुन के बोने हम बोते हैं उसी से बनती हैं, कारण बनती हैं कि आपकी दूरियां कम होती हैं या तो उस कारण से, या फिर आप जो उसकी बुआई करते हैं उसमें या तो उसका रोग में आ जाना जिसके कारण से बनती हैं, ये दो तीन कारणों की वजह से ये बनती हैं। तो ख़राब हो जाने की वजह से ये तीनों सवालों के जवाब मैंने आपको पूरे वीडियो में मिल गए होंगे। तो पूरी जानकारी सेवा पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी किसान भाई तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और इसी प्रकार की रोज की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।